नमस्कार, मैं अमर बिहार से। मैं दुखित हूं यह देखकर कि लोगों का नजरिया हमारे बिहार के प्रति बहुत गलत होता जा रहा है। हिंदी फिल्मों में बिहार को माफियाओं का अड्डा दिखाया जाता है। बाहर के लोगों की एक मान्यता हो गई है कि बिहार में लड़कियां सेफ नहीं है, बिहार में लड़कियां रात को अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती, बिहार में कोई शरीफ इंसान नहीं रह सकता, बिहारी हर शब्द में गाली का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं, सुनिए। हमारे राज्य में बलात्कार के मामले दिल्ली के मुकाबले 1/10 है, जबकि आबादी दिल्ली से कई गुना ज्यादा है। दंगों में जितने लोग गुजरात में मारे गए उसके 1/5 भी बिहार में नहीं मारे गए, फिर भी हम क्या कहना इस बारे। मर्डर रेट हमारे बिहार में 1/2 है, मुंबई से कहीं कम। हमें बेवकूफ समझा जाता है। तो दोस्तों सुनो, हमारा बिहार अकेले इतने आईएएस आईपीएस पैदा करता है जितना केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात मिलाकर भी नहीं दे पाते। सबसे ज्यादा पीओ हर वर्ष हमारे बिहार से निकलते हैं। आईआईटी में अकेले बिहार इतने हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात मिलाने के बाद भी बराबरी नहीं कर सकते। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां किसान आत्महत्या नहीं करते, ना ही कर्ज तले दबे हैं। नहीं, सुनो, सुनना है आपको तो सुनिए। आज भी बिहार में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार है। हम एक रिक्शा चलाने वाले को भी आप कहकर बुलाते हैं। मैं बिहारी हूं और बिहार से ज्यादा महफूज अपने आप को कहीं नहीं पाता। हमारे बिहार के लोगों ने कभी किसी राज्य के लोगों का विरोध नहीं किया, किसी संप्रदाय को नहीं दबाया। यहां संस्कार बसते हैं। मुझे नाज है, मैं बिहार से हूं, बिहार मेरे रगों में बसता है। अगर आपको बिहारी होने पर गर्व है तो इस ऑडियो को इतना